दीदी विधवा होके लिपस्टिक रखती है करमचली। अरे इस मैडम की नखरे तो देखो। अरे सुनो ये छोड़ दीजिए शैम्पू, ये भालू में शैम्पू भी लगाती। रंगीन साड़ी पहनती, सफेद साड़ी नहीं पहन सकती। ऐसे कलर के कपड़े तू नहीं पहन सकती। कितनी बार कहा है तुझे मैंने, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात आती नहीं है ना। तेरे बेटे को तो खा गई। कितने घर के मर्दों को और तू खाना चाहती है? बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर। हाँ बहुत नाज है। जरा बता तो इसे कि कितना सुंदर है इसका हुस्न। हाँ जिसके ना सारे के सारे लकड़ी निकाल देते हैं। एक कंकर और लिपस्टिक ला जरा। ये रही लिपस्टिक, लगा दो उसको। हाँ लगाती हूँ उसे। लिपस्टिक लगा। नहीं जीजी बहुत करियो। काम कर, थोड़ा सा पाउडर भी लगा दे। कितनी सुंदर लग रही है। अब बताती हूँ मैं ये कैसे बनेगी। गोरी सफेद और गोरी चुड़ैल नहीं, लाल मुंह की बंदरिया। अरे सोनू काम कर, इसके बड़े सुंदर बाल है ना, कैंची लेके आ जरा। इसके सुंदर बाल को और सुंदर बना दूं। अभी लाई हूं। जल्दी सुंदर। शर्म आती है देखकर के विधवाओं के साथ ये अमानवीय बर्ताव। आज भी हमारे समाज की हकीकत है। किस जमाने में रह रहे हैं हम लोग? आज के आधुनिक दौर में ऐसी बर्बरता देखकर लगता है 2015 में नहीं मध्य युग के किसी पिछड़े हुए समाज में रहते हैं हम लोग। क्या सिर्फ सड़कों, इमारतों और मेट्रो से ही हम आधुनिक होते हैं? जी नहीं, आधुनिकता एक विचार है जहां सबको खुलकर जीने का हक होता है। जबकि हमारे समाज की सच्चाई तो ये है कि एक स्त्री के विधवा होते ही उसकी तमाम अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती है। कल तक जो घर की लक्ष्मी थी वो अचानक अपशकुन हो जाती है। उसे मानसिक शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और पुरुष वर्ग वो तो उसे हर वक्त अपने लिए उपलब्ध एक वस्तु समझने लगता है और कुछ नहीं। ज्योति के साथ भी उसके ससुराल वालों ने ऐसा ही बुरा बर्ताव किया जब उसका पति इस दुनिया से चल बसा। परिवार जहां इंसान को सबसे पहले सुरक्षा मिलती है, उसी माहौल में विधवा महिलाएं ऐसा असुरक्षित जीवन बिताने को मजबूर है। आखिर कब बदलेंगे हम लोग? देखो माँ जी, चोरी पकड़ी गई। क्या हो रहा है ये? माँ जी वो बल्लू रो रहा है। तो रोने दे और एक बात कान खोलकर सुन लो कि आज के बाद सिर्फ एक वक्त दूध मिलेगा उसे। एक तो खुद यहाँ रहकर रोटियां तोड़ रही हो हमारी और ऊपर से बच्ची की जिम्मेदारी। वो क्या कहते हैं माँ जी? हाँ एक पे एक फ्री। चल हट यहाँ से, मेरी बबली भूखी है। सोनू एक और ग्लास देना। ये लो भाभी। जी आप क्यों रोकर अपने ही सुंदर चेहरे को बिगाड़ रही है? यहां किसी को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी जी आपको दूध पीना। अब मुझे कहिए मैं आपके लिए। जी वो बल्लू के लिए। अभी जी आप चिंता मत कीजिए, जब किसी का ध्यान नहीं होगा तो मैं खुद बल्लू के लिए दूध लेके आऊंगा। अभी जी उससे आपका ये हाल दिखा नहीं जाता। अगर उस दिन भी मैं सही समय पर नहीं आता, ये लोग तो आपके बाल को रिश भैया जिंदा होते, क्या वो ये सब बर्दाश्त कर पाते? जी मैं जानता हूं, जब एक औरत के सर पर से मर्द का साया हट जाता है तो लोग उसे बेसहारा समझने लगते हैं। लेकिन आप बेसहारा नहीं, मैं आपके साथ हूं। मेरे होते हुए कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। भाभी जी आप जानती कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। कहाँ हो
जी, अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? मैं चलता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका देवर हर कदम पर आपके साथ है। मुकेश की वजह से इस घर का माहौल खराब हो रहा है। आप उसे समझाते क्यों नहीं है? जब देखो तब ज्योति के पीछे लगा रहता है। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? दूसरी वो है कि मर्दों के सामने अपने हुस्न की नुमाइश करती रहती है। मनहूस कहेगी। कितनी बार कहा आपसे कि उस मनहूस औरत से दूर रहा करो, पर आप सुधरने वालों में से हो ही नहीं। चुप, अपनी जबान को लगाम दे। आजकल तेरी जबान बड़ी कैची की तरह चल रही है, काट के हाथ में दे देंगे। तुम बस चुपचाप तमाशा देखती जाओ। राजेंद्र से हमें टोकने की कोशिश की तो मार के बंदरिया बना देंगे। अरे तुम्हें क्या पता कि हम क्या प्लान रच रहे? मुझे सब पता है। मुकेश एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। ज्योति का हिस्सा भी वो हड़पना चाहता है। आपको पता भी है? बे हाँ, उसे होना जाना कुछ नहीं है, सब पता है मुझे। मैंने एक बढ़िया प्लान बनाया है। यह है मेरा प्लान। इस स्टैम्प पेपर पर ज्योति का साइन लेना है। जानती इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है मैं स्वर्गीय गिरीश कुमार की धर्मपत्नी ज्योति कुमार अपनी सारी जायदाद बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से अपने प्रिय देवर मुकेश के नाम करती हूं, यानी के मेरे। अब जाने मन, इस सब चीज के लिए मुझे ज्योति से थोड़े प्यार से तो बात करनी होगी ना, समझी कि नहीं? ये स्टाम्प पेपर के बारे में बताना मत किसी को, और खासकर उस मुकेश और उसकी बीवी को, समझे? जैसी आपकी आज्ञा। अब आज्ञा ये है कि पांव दबाओ मेरे। पांव तो मैं आपकी जिंदगी भर दबाऊंगी, बस एक बार ज्योति का हिस्सा अपने हिस्से में आ जाए फिर देखना। अब जल्दी चलिए, बाबूजी टेबल पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। उठिए चलिए। अरे पहले घर के सारे मर्द खाना खाएंगे, उसके बाद बचा हुआ खाना तुम लोग खा लेना। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रही हो दोनों? जाओ जल्दी से, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। लो खाना। माँ जी, तुम छी, जाओ यहां से। तुम्हें पता नहीं है तुम्हें महीना चल रहा है और तुम्हें रसोई में नहीं आना चाहिए, तुम्हें पूजा भी नहीं करनी है। ओ राम, पूरा रसोई अपवित्र कर दिया इस छुड़ैल ने। तुम्हारी यही सजा है कि आज रात को तुम खाना नहीं खाओगी, उपवास करोगी, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आएगी। और हाँ, घर के सब लोग खाना खा लेना, उसके बाद बर्तन धोगी और उसके साथ साथ तीन बार इस रसोई को धोके इस रसोई को पवित्र करोगी, समझ गई तुम?
आपके लिए खाना लाए, खाइए ना, बड़े प्यार से लाए आपके लिए। देवर जी, माँ जी किसी को पता चला तो प्यार से खाना। आप रख दीजिए ना, हम खा लेंगे। खाइए ना भाभी जी, हम आपको भूखा नहीं ना देख सकते। हाँ ठीक है, हम कह रहे हैं ना खा लेंगे, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आप अपने कमरे में जाके सो जाइए। ये अभी मैं नींद ही नहीं आती आजकल अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ। भाभी जी, हम तो तंग आ गए अपनी बीवी से, रोज झगड़ा किच-किच, और तो वो आपसे भी जलती, मैं बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो आपकी जैसी बीवी चाहिए। अभी कसम से, क्या हर औरत आपकी तरह नहीं हो सकती? देवर जी, हम जिंदगी में बहुत परेशान हो गए, हमारे जीवन को सहारा चाहिए। देवर जी, आप जाइए यहाँ से, हमारे जीवन की नैया को पार लगाइए, आप ही के हाथ में। जी सुनिए भाभी जी, देखिए देवर जी, अपना से हम आपको बहुत खुश रखेंगे, आप शराब के नशे में अपनी सीमा लांग रहे हैं। देखिए देखिए मां जी, क्या कर रही है ये मां जी? वो अभी हाथ छोड़ो मेरा, ये अम्मा वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रही थी। नहीं माँ जी, ये चोरी नहीं। इतनी बार तुझसे कहा था कि इस नागिन से दूर रहे, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात जाती नहीं ना। अरे तेरे बाबू जी इसके साथ साथ तुझे भी काट कर गंगा में बहा देंगे। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ, और तुझे मैं कल सुबह देखती हूँ। चलो बाबू, खाना ले लो। तू भूखी मत, चल मेरे साथ। बारिश ना होने के कारण इस साल फसल बर्बाद हो जाएगी। सरकार ने जरूरी कदम उठाने का फैसला किया। किसान के हित के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल सरकार ने फसल बर्बाद होने से बचाने के लिए कृत्रिम सिंचाई योजना बनाई है। सुरेश की माँ, ये कंप्यूटर भी बड़ी कमाल की चीज है, जिसने भी बनाई है बड़ी कमाल की बनाई है। जानती हो आज क्या हुआ? आज न्यूज़पेपर वाले ने मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिया, फिर भी हमारी बिटिया रानी ने कंप्यूटर में सारा कुछ पढ़कर हमें आज की पूरी न्यूज बता दी। हमारी गुड़िया रानी तो है ही होशियार, और ये सब कमाल हमारे कंप्यूटर का नहीं, ये हमारी छोटी सी गुड़िया रानी का है। अब कितना काम कर रही है, सुना है आपका आपका दाना पानी भी बंद कर दिया। अगर आप कहे तो हम आपके लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। बात मिली ना हमसे अकेले में। अरे भाभी जी, शर्मा क्यों रही है? फोन आ गया। हाँ भैया, हाँ हाँ, अरे बस पहुंच गए, आपको मैसेज करते हैं। क्या है ये, बर्तन धो रही हो अभी? कपड़े नहीं धो तुमने? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा काम कर दे, देख तुझे सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा जी। और सुनो, ये
इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ी हो, समझी? और क्या है, अरे वो शर्ट तुमने दाग लगा दिया कल, ध्यान से कपड़े धोया करो। और नया क्या क्या सिखाया तुम्हें स्कूल में? नई टीचर आई है तो वो लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती। हाँ यहाँ क्या कर रही हो? और कितनी बार तुझे समझाया ना कि इस चुड़ैल के पास तुम नहीं आओगी, तो सुनते नहीं है। चल बैग उठा, उठा बैग, चल बैग निकल। तो मेरी बच्ची को मारा खिलवाएगी ना, अभी बताते हैं तुझे। समझते क्या अपने आपको? हाँ एक काम कर, इसको और थोड़ा ज्यादा सुंदर बना दो, है मर्दों को रिझाने का बहुत शौक है ना इसको, है? एक काम करो, थोड़ी सी मिट्टी लगा दो इसके चेहरे पे, तो बना दो सुंदर। जी जी नहीं, क्यों समझती है ना? हाँ? नहीं जी, हम मेरे बच्चे को भगाने लगे। नहीं जी, हम तो बस बाल बांध रहे थे। चाची नहीं जी, जी समझते हैं ना, सही पूरी समझती है आपको। नहीं जी जी, चाची हम छोड़ दूंगी आपको, नहीं बस नहीं आपको छोड़ देंगे। और देख बड़ी सा एक अच्छा परिवार ही अच्छा समाज बनाता है और अच्छे समाज से ही अच्छे देश का निर्माण होता है। अगर हम देश में बराबरी के हक की मांग करते हैं तो हमें अपने परिवार में भी सबको बराबरी का हक देना होगा। समाज सुधार की शुरुआत हमें अपने घर अपने परिवार से करनी होगी। पारिवारिक कलह का सबसे बुरा असर महिलाओं के बाद बच्चों पर पड़ता है। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे बर्बर बर्ताव से हमारा बच्चा क्या सीखता है, कि कल जब वो बड़ा होगा वो भी ऐसा ही बर्ताव करेगा जो उसने हमसे सीखा है। लिहाजा आप सबसे विनती है कि अपने परिवार के माहौल को दूषित ना होने दें। ज्योति के ससुराल वालों को देखकर तो लगता है कि सब एक से बढ़कर एक मानसिक रोगी है। सबके जीवन का बस एक ही ध्येय है, ज्योति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके बेदखल कर दिया जाए। आखिर खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचाएगी ज्योति इस क्रूर परिवार से? चाची चाची ये लो किताब। पता है आज स्कूल में हमें एक नाटक दिखाया गया था, औरत के अधिकार। उसमें एक विधवा औरत थी, उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते थे और घर से बाहर निकाल देते थे। तब वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है और बताती है कि उसका भी इस घर पे बराबर का अधिकार है। और पता है चाची, उस नाटक में एक गाना भी था, उठो और तो उठो लेकर अपने हक की बात, रहना है अब शान से तुझको अपने अधिकारों के साथ। इस किताब में एक नंबर भी है, अगर कोई भी औरत को घर पे कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो वो इस नंबर पर फोन कर सकती है। टीचर कहती है कि पढ़ाई लिखाई से हम अपने अधिकार जता सकते हैं, और आप तो पढ़ी लिखी हैं। बबली बबली, अरे कहाँ मर गई? चाची मैं जाती हूँ, माँ बुला रही है। रुक क्यों गई? जुर्म सहना भी अपराध है ज्योति। औरतों को अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए, इसलिए आत्मनिर्भर बनो। तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? वो लोग हमें और हमारे बच्चे को मार डालेंगे, हम ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे डरकर जीने से तो अच्छा है कि मर ही जाओ। तुम जितना डरोगी ये समाज तुम्हें उतना ही डराएगा। इसलिए उठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो और तब तक लड़ो जब तक कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल नहीं जाए। श्याम भैया, हमें चाय पत्ती, 2 किलो चीनी और 2 किलो मसूर की दाल दे दीजिए। और कुछ माँ जी ने कहा था याद नहीं आ रहा, हम फोन करके पूछ लेते, तब तक आप ये दे दीजिए। हेलो, नारी सहायता केंद्र, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? आप कहाँ से बोल रही? मैडम, मैं नारी सहायता केंद्र से बोल रही हूँ। आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? हम यहाँ पे हर प्रकार की सहायता देते हैं, चाहे वो विधवा हो, बुजुर्ग हो या कोई पीड़ित हो। आपको कैसी सहायता की जरूरत है? हेलो हेलो, हेलो, आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, 420 और 120 बी ना। हाँ। और कहा था 354 रही हूँ। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ इस ज्योति का कुछ करो, सोचो उसके बारे में कुछ। मैंने कहा ना तुझसे, सीधे से मेरी बात मान, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। अगर भैया, आप यहाँ क्या कर? तो आप भी जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए, समझे? देख बोरानी, सीधे से इस पर साइन कर। देख बाबू जी अंदर सोए, मैं शोर शराबा नहीं चाहता। भैया, मैं आपको अकेले जायदाद हड़पने नहीं दूंगा। साइन कर। आपको क्या लगता है ताकत सिर्फ आपके पास है? थप्पड़ आप ही मार सकते हैं। हाँ, मेरा भी हो सकता है। अब आप हटिए यहां से, यहां आइए। ये किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुकेश और सुरेश के चिल्लाने की आवाज आ रही है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि टीवी चल रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। अच्छा नहीं करो छोटा।
तुम दोनों को क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने? तुम दोनों भाई आपस में ही झगड़ा करो। तुम दोनों परिवार में रहने के लायक भी नहीं हो। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोनों बेटों को क्यों मार रहे हो आप? अगर आपको मारना ही है ना तो इसे मारिए। सारे फसाद की जड़ यही है, समझे? बाबूजी, हमने कुछ नहीं किया। आखिर तुझे चाहिए क्या? तुझे जो कुछ भी चाहिए मुकेश दे रहा है ना। पहले उसे उकसाती है, फिर भोली बनने का नाटक करती है। इस करम झली को अभी के अभी खत्म कर दो, सारा प्रकोप ही मिट जाएगा यहाँ से। नहीं, पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे दो बेटे को खाने पे पड़ी हुई है। तो सुनो, ऐसा करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुड़ी, ले आओ मिट्टी का तेल, आज इसका खेल खत्म ही कर देते। क्या गलती है हमारी जो आप सब लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं? मुझे आप बोलिए ना, क्या गलत किया हमने? कोई बताएगा हमें इसलिए क्या हुआ? ये हमारे जेठ, हमारे घर में कहते हैं जेठ यानी के बड़ा भाई, और ये हमारे देवर। हमारा धर्म कहता है कि देवर यानी की बेटी समान। ये दो लोग हमारी इज्जत टूटना चाहते हैं। सुना आपने? आपके दो बेटे आपके विधवा बहू की इज्जत टूटना चाहते हैं। बताइए ना, इसमें हमारी क्या गलती है? हम कहाँ गलत है? अगर कल को यही चीज आपके साथ मुकेश देवर जी करते तो आप इसका दोष किसके सर मानती? बताइए ना जेठानी जी, बताइए ना। क्योंकि हमारे पति मर गए, हम विधवा हैं, तो कल तक जो इस घर की इज्जत हुआ करती थी आज अपशगुन हो गई। मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, अब आप हमको बताइए कि आप सबके पति अमर रहने वाले? दीदी, आपकी एक बेटी है बबली। कल को अगर बबली बेटी अपने ससुराल जाती है और उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं तो आपको कैसे लगेगा? कैसा लगता है आप सबको? कोई हमें बताएगा? और आप दोनों हमारे साथ जो कुकर्म करना चाहते हैं उसे कानूनी भाषा में सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। सुना आपने? शारीरिक शोषण। रुकिए, ये लीजिए किताब और देख लीजिए। इसके हिसाब से आईपीसी की धारा 354A के तहत आप दोनों को 3 साल की सजा और हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप दोनों हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे ना हमारी प्रॉपर्टी। थोड़ी देर पहले हमसे जबरदस्ती साइन करवाने चाहते थे ना, आईपीसी की धारा 420 और 120B के तहत आप लोगों को 7 साल की सजा हो सकती है और हजारों रुपए का जुर्माना लग सकता है, जानते हैं आप? और माँ जी, आपने जो अपनी बहू के साथ किया, तुमने जो अपनी जेठानी के साथ किया, आप सब लोगों ने हमें मिलकर मारने की कोशिश की। आईपीसी की धारा 307 के साथ आप सब लोगों को उम्र कैद की सजा हो सकती है, जानते हैं आप लोग? सोनू,
आपने हमारे साथ कितना अत्याचार किया। हम कभी कुछ नहीं बोले, उसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं जानती हो? घरेलू हिंसा। और ये किताब हमने कंप्यूटर से देख के लिखा है। आरपीसी की धारा 498 ए के तहत आप लोगों को 3 साल की सजा और हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन नहीं, हमने कभी शिकायत नहीं की। और आप दोनों, एक बात आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारी पति की प्रॉपर्टी पर हमारा और हमारे बच्चे का पूरा अधिकार है। सुना आपने, कल को अगर हम दूसरा ब्याह कर लेते हैं तब भी हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार है जितना उनका होता। इसलिए हमें उनकी प्रॉपर्टी से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। सुन लिया आपने? हमें अपने ही घर में अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे दुखदाई बात और क्या हो सकती है? सोनू, हमें एक बात बता, देवर जी की गलतियों की सजा हमें क्यों दे रही हो? हम तो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं ना, आप सबके साथ रहना चाहते, अपने परिवार के साथ रहना चाहते। हमें कभी कोई शिकायत नहीं की, जानती है क्यों? क्योंकि अपने बड़ों के सामने अपनी नजरें झुका कर रखने को हम अपना सम्मान समझते। अगर हम थाने या कोर्ट में जाकर शिकायत कर दें तो आप लोगों को सालों की सजा होगी, न जाने कितने का जुर्माना लगेगा। हम ऐसा नहीं चाहते माँ जी। इस नन्ही सी बच्ची ने हमारा हौसला बढ़ाया। ये चाचे, जुर्म करना जितना बड़ा अपराध होता है, जुर्म सहना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है। इससे हमारी आप लोगों से आग जोड़ कर मिलती है। हम नहीं चाहते कि हम जिस अदब की वजह से आप लोगों के सामने डर कर चुप रह कर रहते हैं, हमारी वो नजरें आप लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए या आपको जेल पहुंचाने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए उठे, तो बेहतर यही होगा कि हमें शांति से रहने दिया जाए। वरना बोलना, हम भी जानते हैं, हमें भी कानून पता है, हमने भी पढ़ा है। और जाते जाते आप सबको याद दिला दे कि ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आप लोगों ने? जी जी, बबली ने दूध पिया? नहीं, हाँ पी लिया। सोनू, कहाँ जा रही हो? पानी कौन देगा? सोनू, तुम जाकर रसोई का काम संभाल लो, जिसे पानी चाहिए वो खुद भी ले सकते हैं। उन्हें पता है कि पानी कहाँ रखा हो। सोनू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या सोनू देवर जी, पत्नी स्वेच्छा से पति की सेवा करे बहुत आदरणीय बात है, पर पति उसे सिर्फ सेविका समझने की भूल करे ये तो ठीक नहीं ना। आप खुद भी ले सकते हैं पानी।
औरतों को अपनी तरह बना रही है ना। बताते हैं इसे, ये औरत तो गायब होती है, चारा खिलाओ डंडे मार, इनकी औकात ही यही, आज इसकी इज्जत लूट ही लेते हैं। इज्जत भी लूटेंगे और दोनों को मार भी डालेंगे। हमने ये सब पहले ही सुन लिया था। हमारी बीवियों को हमारे खिलाफ भड़काने में लगी। यश ज्योति का कुछ करना ही पड़ेगा। पानी सर के ऊपर जा रहा है। काम करते हैं। आज रात इसे खत्म कर देते हैं। पहले उसको मसले फिर खत्म करेंगे। इसलिए ये योजना बनाई ताकि तुम जैसे दरिंदों को हम लोग रंगे हाथों पकड़ सके। पुलिस बाबूजी, ये नारी की शक्ति को इतना कम भी मत आंकिए। अगर वो ज्योति बनकर घरों में उजाला फैला सकती तो ज्वाला बनकर दुनिया की बुराइयों का सर्वनाश भी कर सकती। ले जाइए इन्हें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 10 के मुताबिक एक विधवा स्त्री का अपने पति की संपत्ति और उसकी पुश्तैनी जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना कि उसके पति का था। और यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु वसीयत लिखे बिना हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर उसके सभी उत्तराधिकारियों का समान हक होता है, फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष। जब किसी की पत्नी की मृत्यु होती है तब उस पुरुष को तो कोई अपशकुन नहीं कहता, उल्टे पुरुष की तो दूसरी शादी की बातें भी होने लगती है। तो फिर एक विधवा भी तो हम सभी की तरह इंसान है ना, अपने जीवन अपने परिवार पर उसका भी उतना ही हक है जितना किसी और का। आखिरकार ज्योति ने अपने उत्तराधिकार की जंग जीत ही ली। उसके देवरों मुकेश और सुरेश को उसकी हत्या करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी विधवा स्त्रियां हैं जिन्हें अपने कानूनी अधिकार पता ही नहीं है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आगे बढ़िए और ऐसी महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराइए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया। फाइट बैक। धा